कितने किलोमीटर बताया आपने? सवा दो, सवा दो। सवा दो किलोमीटर, ठीक है ठीक है। तो पैदल तो मैं आ सकता हूँ वहाँ पे? जी जी बिल्कुल आ सकते हैं। ओके सर, ओके, फिर मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धनबीर उत्तराखंड यमकेश्वर ब्लॉक से। तो दोस्तों मैं ले चलता हूं आपको सीधा हरसिल, यानी कि गंगोत्री से 25 किलोमीटर पीछे है हरसिल। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां पे धूप निकली है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भगवान, साक्षात भगवान आ गया हो। बॉडी पूरी रिलैक्स फील हो गई है और बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। हल्की फुल्की तो लगती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो वो वाली ठंड थी -8, सो गाइस बहुत खतरनाक था। और मैं दिखाऊँ आपको, मैं हूँ उस रिवर के साइड में। और आपको एक चीज़ बताऊँ, कहीं नज़र पत्थर नहीं आ रहे, ना रेत आ रही है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है इस घाटी में, तो आप देख पा रही होंगे। और फिलहाल मुझे चलना अभी 7 किलोमीटर हरसिल, क्योंकि मैं सुबह ट्रैक मारा था ये घूमने के लिए, और मुझे मिलना था एक बाबा जी से। और सो अमेजिंग है यहाँ पे। बीच में मुझे कल ना एक बाबा मिला था बेचारा, और -7-8 में वो कैसा रह रहा वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैंने उनके लिए अभी खाना बनाया है, तो मैं उनको देने जाऊँगा। तो भैया आप ऐसा करें मुझे कि अपना नंबर दें, बिल्कुल, और मैं आप नाप लेना कि कितना किलोमीटर समथिंग होगा, नहीं तो फिर मैं पैदल चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी तो मेरे को मिलेगी नहीं। भैया के पास ही फुल है। तो अभी दरअसल सुबह से हम जब से उठे हैं, हमने भी देखा है कि यहाँ से अभी तक मैंने मुश्किल से जितनी भी गाड़ियाँ देखी, 4-5 गिनती की, वो भी आर्मी के ट्रक थे। आर्मी के ट्रक थे और उनके टायर पे भी वो चेन लगी हुई थी फिसलन की वजह से। तो अलावा कोई गाड़ी नहीं थी। भैया मुझे आप अपना नंबर दे दो, और उसके बाद मुझे आप फोन करके बताना कि वो लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पे हैं। 97200। भैया घंटी आ गई? जी बिल्कुल आ गई मेरे पास। हेलो ब्रदर। ब्रदर हाँ, कितने किलोमीटर बताया आपने? सवा दो। सवा दो किलोमीटर, ठीक है ठीक है। तो पैदल तो मैं आ सकता हूँ वहाँ पे? जी जी बिल्कुल आ सकते हैं। ओके सर, ओके, फिर मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके वेलकम वेलकम। बहुत ज्यादा पत्थर बनी हुई है, बर्फ। चल बाबा यही, और मैं बाबा को खाना देने लाया था। बाबा है नहीं, बाबा आग भी जलाई थी। ये जगह है, वो ये जगह है, ये देखिए ये लकड़ियां हैं, और ये बाबा ने आग जलाई थी, और ये जगह थी, इसी पहाड़ के नीचे बाबा बैठा था। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, इसी के नीचे बाबा बैठा था, बट यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा आगे चलता हूँ, हो सकता बाबा यहाँ से कहीं चला गया हो, ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे बाबा मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ओहो मिल गया बाबा। गाइस आप देख पा रहे होंगे, ये है बाबा। तो बाबा बाबा इतनी ठंड में कैसे रह रहे हैं आप यहाँ पे? बस यही है, कपड़े की सहारा है। पराठे ना लेके आए हो? नहीं बाबा, मैं पराठे तो मैं बना नहीं सकता था। तो स्टोव में क्यों तरह से होंगे? तो गाइस मेरे पास है गरम गरम ये सोयाबीन वाली पुलाव। लो बाबा जी, ठंड लग रही है आपको? हाँ बहुत ठंड लग रही है भाई बाबूजी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप इसको खाओ। गरम है कि नहीं? हाँ गरम है। गरम है ना? हाँ खाओ खाओ, आपने मुझे गरम गरम खवाया। ये मिर्ची है आपके लिए। हाँ हाँ, जैसे आप जे खाए जी, थोड़ा बहुत नहीं खबा तो फेंक दिए जी, वो उठा के मैं खाया। अच्छा खाया सत्य है कि नहीं? बाबा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी बर्फ है ना, ये देखिए आप, बर्फ ही बर्फ है। जहाँ मैं देखोगे ना, बर्फ ही बर्फ नजर आएगा आपको। ये हिल्स, ये पहाड़ पूरा बयां कर रहे हैं कि यहाँ पे -7-8 है। और इसमें भाई बाबा जी यहाँ पे कल रात को कैसे रुके होंगे कुछ मालूम नहीं है। करता हूँ बेर बेर, अगर भूख से बहुत परेशान था, इन बाबू जी ने मुझे खाना दिया। अरे कोई बात नहीं महाराज, आप खाना खाइए बस,
ये प्रभु की इच्छा थी कि मैं खाना आप तक पहुँचाऊँ, ये आपका नाम का खाना था तो आप तक पहुँच। मुझे बहुत दम से भूख लगी है, कोई रोटी पराठा दीजिए। मैगी तो खाएंगे ना आप? तो मैं फिलहाल मैगी बना देता हूँ बाबा के लिए। तो यहाँ पर मुझे अच्छी बर्फ़ नज़र आ रही है, देख सकते हैं अच्छी बर्फ़ है। मेरे पास पानी कम हो गया, बाबा जी के पास पानी था ना, तो आप देखते हैं इस डिब्बे में ना पानी पूरा जम गया। देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मैगी बन चुकी है, देखिए आप। तो बाबा के साथ में एक फ़ोटो भी खींचूंगा। बाबा जी कैसी बनी है मैगी? बहुत अच्छी, सिलेंडर में बहुत कम गैस थी सच में, और फिलहाल मैगी बन गई। अभी आप बना के पिलाइए ना कॉफ़ी। कॉफ़ी? हाँ। बाबा की डिमांड कॉफ़ी पे है भाई। मुझे यहाँ से लेनी होगी बर्फ, इतनी बर्फ। तो आप देख रहे हैं कितनी साफ बर्फ है यहाँ पे, अब देखें चीनी की तरह। थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा, गल चुकी है। देखे बाबा जी की लुटिया, बस 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 बस। और यहाँ पे ना हमें इस समय सिर्फ आर्मी के ट्रक दिखाई देते हैं, और इन ट्रकों के नीचे ना चैन लगी होती है। इनका पूरा उन्होंने एक बोतल निकाल के दे दी, और ये बिस्किट है, ये प्याज नमक मिर्ची है, ये रोटी है। तो सचमुच बाबा जी को यहाँ पे बहुत कुछ मिल गया है, क्योंकि मैंने उनको बताया कि क्योंकि बाबा जी ने कई दिनों से यहाँ पे खाना नहीं खाया था। सच में हमारी आर्मी ना सलूट मारने लायक है। मैं आपको ये वाली जैकेट दे दूँ अपनी तरफ से, इसको पहनो आप, बहुत अच्छे लगोगे। हाँ जी समझ लो, मैंने जी ऐसा बोल लिया तो बस, ताकि मेरा सफर अच्छा, खुश रहिए, सुखी रहिए। और मैं तो बाबा जी से अलविदा लेता हूँ, क्योंकि मुझे निकलना आगे की है, और धूप आ रखी है, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। तो बाबा जी ओके बाय, फिर मिलते हैं, खुश रहिए। हाँ